हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं और देखेंगे पेन टूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और पेन टूल को ले लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद जो है उसके बाद हम देखेंगे पेन टूल से कैसे किसी भी इमेज को हम ट्रेस कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था कि रेक्टेंगल की मदद से हम लोग कैसे किसी इमेज को ट्रेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और एक इमेज कोई सा भी सिंपल उठा लेते हैं। सिंपल इमेज ट्रेसिंग, यहाँ पे आते हैं और इस इमेज को हम उठा लेते हैं या फिर इसी ले लेते हैं। ये एक एलिफेंट का आइकन है, इस आइकन को आज हम ट्रेस करके दिखाएंगे आप लोगों को पेन टूल की मदद से। तो यहाँ से मैंने इस इमेज को कॉपी कर लिया और फिर यहाँ जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, तो ये आ गया हमारा इमेज। शिफ्ट प्लस F4 से फिट टू पेज हम कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये इमेज इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, हिले ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को लॉक करने के बाद ये होगा कि ये हमारा इमेज जो है कहीं भी मूव नहीं करेगा, ये लॉक हो गया। अब हम चलेंगे पेन टूल में, यहाँ से पेन टूल लेंगे और पेन टूल की मदद से जो है हम इस इमेज को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ चलेंगे और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसके हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये जो है हमारा, और फिर अल्ट दबा के इस नोड पे आपको क्लिक करना है ताकि फिर से आप इसके हैंडल को अपने हिसाब से आप जो है मूव कर सकें। फिर से ये देखिए ये कैसे आ रहा है। तो आपको फिर से अल्ट दबाना है और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उस पर क्लिक करना है, फिर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जाना है, फिर से आप पॉइंट दबा के इस पर क्लिक करना है और इसको ऐसे मूव कर लेना है, फिर इसको ऐसे मूव कर लेना है, फिर उसके बाद इसको ऐसे ऐसे ही कर करके हम इसको ट्रेस करेंगे। तो बेसिकली हमारे बताने का मोटिव ये है कि पेन टूल कैसे काम करता है। अगर आप कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हो तो पेन टूल एक बेसिक टूल है जिससे हर किसी को जानना जरूरी है, जो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है, जो कोरल को सीखना चाहता है। पेन टूल की मदद से ही आप किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं अच्छे से अच्छे लेवल पे। और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे और ये क्या हुआ, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिख गया होगा। एक बार हम यहाँ पे इसको जाते हैं, कलर को फिल कर देते हैं। देखिए हमारा जो एलिफेंट है वो रेडी हो गया है। अब इसमें जो है हम इसमें कम से अगर 10 का आउटलाइन कर दें, लेकिन अभी भी देखिए ये जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये स्मूथ है, इसका जो शेप बना है, ये जो शेप बना हुआ है पहले से ये स्मूथ है, बट ये स्मूथ नहीं है। इसको स्मूथ करने के लिए हम चलेंगे और यहाँ से एक स्मूथ टूल का यूज करेंगे। स्मूथ टूल कहाँ है, स्मूथ टूल, अच्छा मैंने खोल रखा था, फिर भी थोड़ा सा इसके लाइन को हम इस पर हम स्मूथ टूल चला देंगे ताकि इसके नोड जो है स्मूथ दिखने लग जाए। ये जो कर्व है थोड़ा सा कर्व अच्छे से हो जाए। ये क्या हो रहा है, तो आपने देखा कैसे जो है हम लोग किसी भी डिज़ाइन को पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। इस अभी के लिए फ़िलहाल इसको हम सेंटर कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं। इसका एक सर्कल है, इसको भी थोड़ा सा ट्रेस कर देते हैं। शिफ्ट और कंट्रोल दबा के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और इसके आउटलाइन को हम कर देंगे कम से कम 10 या 15। तो देखिए हमारा जो है ये एलिफेंट जो है ट्रेस हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। अगर मैं चलूँ यहाँ पे इसमें कलर फिल कर दूँ और इसमें वाइट फिल कर दूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो है ये इमेज जो कि एक आउटलाइन इमेज है, इसमें मैंने कलर फिल करके इसको ऐसा जो है बना दिया है। तो किसी भी इमेज को आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेजर टूल है, फ्री हैंड टूल है, इन सबको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।